नमस्कार, राजस्थानी रसोई चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज़ पराठा, जो कि बच्चों को बेहद पसंद होता है। सब्सक्राइब कीजिए राजस्थानी रसोई चैनल को और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए, पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद के तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1 कटोरी मैदा और नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा तेल और पानी आटा गूंथने के लिए। तो चलिए आटा गूंथना शुरू करते हैं। हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हमने सबसे पहले गेहूं का आटा डाला है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके पानी से आटा गूंथेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंथना है हमें। इसका हम एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। आवश्यकता अनुसार पानी लेते जाइए। ये देखिए, हमने आटा गूंथ लिया है। कुछ इस तरह का हमें आटा गूंथना है, सॉफ्ट आटा गूंथना है। अब इसको थोड़ा सा तेल लगा के आटे को चिकना करेंगे। 1 छोटा चम्मच हमने तेल डाला है। अब इस आटे को हम 20 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देंगे। जब तक हमारा आटा तैयार होता है, तब तक हम स्टफिंग की तैयारी करेंगे। पराठे की स्टफिंग के लिए हमने यहाँ लिया है 2 क्यूब चीज़। इसको हमने कसकर पहले से तैयार कर लिया है। यहाँ हमने लिया है 2 बड़े चम्मच स्वीट कॉर्न, इनको हमने बॉईल कर लिया है। 1 कटी हुई शिमला मिर्ची और धनिया, हरा धनिया, नमक स्वाद के अनुसार। नमक इसमें कम ही डाली क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है। काली मिर्ची पाउडर और पराठा तलने के लिए तेल। तो चलिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिए चीज़, इसको हम डालेंगे। यह हमने लिया है स्वीट कॉर्न। शिमला मिर्ची हरा धनिया, नमक हमें थोड़ा सा ही डालना है क्योंकि आटे में भी नमक था, चीज़ में भी नमक होता है। काली मिर्ची, अब इसको हाथ से अच्छे से मिलाएंगे। इसमें मौसम के अकॉर्डिंग आप कसी हुई गाजर भी डाल सकते हैं, बंद पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं। ये हमारी स्टफिंग तैयार है। बीस मिनट हो चुकी है, हम अपने आटे को चेक करते हैं। आटा हमारा भीग के तैयार है। ये देखिए, इसको थोड़ा सा मसल लीजिए। अब हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हमें सूखा आटा भी लेना है। हम तवा गरम करेंगे। हमारा तवा गरम हो रहा है, तब तक हम पराठा बेलकर तैयार करेंगे। यहाँ हमें एक मोटी साइज का लोई बनानी है। हमने ये देखिए, आप इसको सूखे आटे में लपेट के बेलना शुरू करते हैं। इसको आप गोल भी बना सकते हैं। हम आज स्क्वायर शेप में बनाएंगे, चौकोर शेप में इसको हम बनाएंगे। इसको थोड़ा हमें बड़ा बेलना है।
ये देखिए हमने पराठे को इतना बड़ा बेल लिया है। अब हमें इसके किनारों पे ऑयल लगाना है, बीच में नहीं लगाना है। इस तरह से किनारों पे ऑयल लगाइए और इसके बीच में हमें स्टफिंग डालनी है। इसको थोड़ा हाथ से दबा दीजिए। अब इसे हमें पहले इस साइड से हल्के हाथ से दबा के ऐसे करना है, इधर से भी सेम ऐसे ही हल्के हाथ से इसको दबा दीजिए और इधर से भी हमें ऐसे मोड़ना है। हमने तेल इसलिए लगाया है ताकि यह किनारे अच्छे से चिपक जाए, स्टफिंग बाहर नहीं निकले। ये देखिए इसको फिर से सूखे आटे में लपेटेंगे और हल्के हाथ से ऐसे दबाते हुए हमें इसे चौकोर ही बेलना है, एकदम हल्के हाथ से, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल जाएगी। हमारा पराठा बेल के तैयार है। इधर हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। पहले तवे को हम चिकना करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे इस पे। अभी पराठा इस पे हमें डालना है और एक साइड से इसको हमें धीमी आंच पे ढक्कन लगा के सेकना है। ये पराठा थोड़ा मोटा होता है तो इसको धीमी धीमी आंच पे हमें सेकना है ताकि अंदर की स्टफिंग जो है वो खिलकर पराठे को बनाएगी स्वादिष्ट और यमी। पराठा सिकते हुए 5 मिनट हो चुकी है, चेक करते हैं एक बार। इस पे हमें ऑयल लगाना है। अब इसको पलटना है। इस साइड फिर से ऑयल लगाएंगे। अब हमें ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टफिंग हमारी पक चुकी है, लेकिन इसको धीमी आंच पे ही हमें सेकना है। पलटे से हल्के हाथ से दबाते हुए हमें इसे सेकना है। एक बार चेक करते हैं, अभी सेकने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसको हमें पलट पलट के सेकना है। ये देखिए पराठा हमारा हल्का ब्राउन होने में आ गया है। इसको हमें पलट पलट के धीमी आंच पे ही सेकना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है पराठे की। ये हमारा पराठा सिककर तैयार है। अब हम इसे गैस को बंद करेंगे और हम इसे सर्व करेंगे। तैयार है हमारा चीज पराठा। कढ़ी के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। कभी कभी बच्चे को लंच बॉक्स में भी डालिए, बच्चे खुश हो जाएंगे।